आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लूस मचा दिया था 2019 में और अब कॉप 26 होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब करें इंस्टा पे फॉलो करें टेलीग्राम पे आ जाए तो यूके जो है वो कॉप ट्वेंटी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इकतीस अक्टूबर से बारह नवंबर तक होस्ट करेगा पूरी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट करेगी 100 पूरी दुनिया मतलब समझ लीजिए पूरी दुनिया ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं ना 190 देश जितने साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े रिसर्चर सब सिटीजन्स नेगोशिएटर्स एवरीवन दुनिया की सबसे बड़ी समिट सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस समिट मतलब सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें हर कोई पार्ट लेने वाला है ये ग्लासगो में होने वाले स्कॉटिश इवेंट कैंपस तो कॉन्फ्रेंस कब आई है जब आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है उस पर मैंने लेक्चर लिया था कि बुरी हालत हो गया 1.1 डिग्री सेल्सियस तो हो ही गया है और डेढ़ डिग्री हो जाएगा वो तो हम रिवर्स नहीं कर सकते अब हमको दो डिग्री पर ध्यान देना चाहिए और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी बुरी तरीके से बैंड बजी हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब बनाइए UNFCCC, सुना है United Nation climate change Framework Convention, जो 1994 में बनाया गया था. क्यों बनाया गया गया था था क्यों क्योंकि भाई देखो 1950 के बाद ग्रीन हाउस एमिशन है वो हद से ज्यादा हो गया और ऐसा बोला जा रहा था अगर ऐसे ही चला तो साढ़े साढ़े चार से साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा एवरेज टेम्परेचर अब जाकर उसको दो किया गया है उस समय आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आई तो आप यह समझिए कि ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज़ करना था सबसे पहले तो कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़े पहला दूसरा कि किस क्या-क्या मेजर्स लें क्लाइमेट चेंज के लिए तीसरा हम कैसे प्रिपेयर करें एडाप्ट कैसे करें जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट होगा जैसे अभी आप देख रहे हैं फ्लड्स आ रहे वेव्स बहुत सारी चीजें कैसे उसके बाद एजुकेशन ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस कैसे करें नाइनटीन की बात है अभी तो काफी अच्छी चीजें हो रही हैं अच्छा हमारी नवरात्रि सेल का आज आखिरी दिन है तो आप जरूर कोर्सेज को अवेल करें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा तो कॉप वन से लेकर कॉप ट्वेंटी फाइव तक तो वही है कि तब से लेकर अभी तक हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो मिलती है पूरी दुनिया है इंडिया चाइना यूएसए एक सौ अट्ठानवे पार्टीज हैं जैसा कि मैंने बताया कि पहली कॉन्फ्रेंस बर्लिन में हुई थी नाइनटीन में लेकिन 1997 में कॉप थ्री जो हुई थी क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें सारे मेंबर से यही बोला गया था कि भाई अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है 16 फरवरी 2005 में ये फोर्स में आ गया यानी कि 16 फरवरी 2005 आमतौर पे एक प्रोटोकॉल जारी होता है फोर्स में थोड़ा टाइम बाद आ सकता है वो और जैसे ही वो फोर्स में आएगा आपको जो कह रहा करना पड़ेगा जी हाँ अभी एक पार्टीज हैं क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें अमेरिका चाइना भारत तो है ही सबसे ज्यादा अमेरिका फिर चाइना ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं ना कार्बन एमिट करते हैं भारत ने 2002 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक दो हजार, दो हजार दो को एर्थ कॉप समिट मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो होस्ट किया था सात मेजर्स दिए थे भारत ने भारत ने भारत क्या मतलब कॉन्फ्रेंस ने जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था एनर्जी ट्रांसपोर्ट था टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना था रिसर्च एंड डेवलपमेंट था मेनी थिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट कॉप ट्वेंटी ट्वेंटी वन दो हजार पंद्रह पेरिस में जब सारे के सारे मेंबर कंट्रीज ने ये बोला कि भाई अब हमको ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है हमको दो डिग्री से कम करना है और डेढ़ डिग्री से ऊपर नहीं जाना है दैट्स इट प्री इंडस्ट्रियल लेवल ठीक है हम कंपेयर करते हैं ना कॉप ट्वेंटी सिक्स एक मैंने अभी आईपीसीसी पे लेक्चर लिया था तो आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कॉप ट्वेंटी सिक्स जो अभी हो रही है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या गोल है कॉप ट्वेंटी सिक्स के पहली बात तो जो ग्लोबल नेट जीरो है बाई मिड सेंचुरी उसको डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक रखो दो तक डेढ़ डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए एवरेज टेम्परेचर जो है तो ये तेरह अक्टूबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉप ट्वेंटी सिक्स चार्टर ऑफ एक्शन हुआ था अभी दो दिन पहले उसमें नेटली टॉम चीफ इकोनॉमिस्ट है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट काउंसिल ब्रिटिश हाई कमिशन की इंडिया के उन्होंने बोला कि देखो यूके ने तो कमिट कर लिया है कि वो 2035 तक 78 परसेंट रिडक्शन कम करेंगे और 2050 तक वी विल अचीव नेट जीरो भारत ने भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं साढ़े चार सौ गीगा लॉन्च किया है भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आज ही भारत ने रेजोल्यूशन पास कर दिया मतलब रेजोल्यूशन आगे बढ़ाया कि हमको ऑब्जर्वर स्टेट बनाओ तो बहुत सारे देश जो हैं वो अलग अलग तरीके से चीजें कर रहे हैं लेकिन क्या चाहिए हमको नेट जीरो कमीशन जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको जीरो कर दो क्योंकि इसी की वजह से प्रॉब्लम है देखो मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा हमारे एटमोसफियर में सेवेंटी नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से वो अपना खाना बनाते हैं 21 परसेंट ऑक्सीजन है और 0.04 कितनी कार्बन इतना ही है कम पॉइंट्स में ही है मैं भूल गया थोड़ा देखिएगा होता क्या है कि दिन भर हमारी धरती जो है वो गर्मी लेती है और रात को इसको रेडिएट करती है सब बैलेंस्ड है मतलब एकदम रहने के लिए सर्वाइवल के लिए सिचुएशन बिल्कुल बढ़िया है अब अगर आप इसको छेड़ोगे तो आपके साथ बुरा होगा और हम इसको बुरी तरीके से छेड़ रहे हैं नेचर के साथ छेड़खानी नहीं उसके साथ मजाक नहीं कर सकते आप तो हो क्या रहा है कि रात में जब रेडिएट करती है ठीक है जब जितनी भी दिन भर में धरती ने गर्मी ली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू रात में रेडिएट करेगी अब कार्बन प्रेजेंट होती है बहुत ही कम मात्रा में तो वो क्या करती है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है कार्बन जो है ना हीट को एब्सॉर्व करती है जिसकी वजह से हमारी धरती गर्म रहती है और उतना ही टेम्परेचर बना के रखती है जितना हमको जीने के लिए जरूरी होता है वरना अगर मान लीजिए कार्बन सब खत्म कर दोगे तो धरती ठंडी हो जाएगी हम मर जाएंगे लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन बहुत ज्यादा एमिट हो रही है जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट अब्जॉर्व करेगी ना रेडिएशन में प्रॉब्लम आएगी एक ग्लास इफेक्ट आपने सुना होगा कि एक एक ग्लास की तरह होगी कि मतलब जो हीट है वो प्रॉपर बाहर जा ही नहीं पा रही जिसकी वजह से धरती गर्म होती जा रही है अब ये सब इसीलिए कि जो हम हार्मफुल गैसेस यूज करते हैं इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कार्बन एमिट करते हैं फ्यूल्स की वजह से फिर हमारे जो लग्जरी आइटम्स है जैसे एसी हो गया फ्रिज हो गया इसकी वजह से समझ लो तो ये कंसेप्ट है इसी को ही कम करना है इसीलिए कहता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कॉप ट्वेंटी स्पेन में हुई थी पिछले मतलब 2019 में 2020 में तो नहीं हुई थी है कि नहीं तो ये चीज शुरू हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल को इसे फॉलो करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का फेज वन 2005 से 2012 तक जिसमें एमिशन को 5 तक जिसमेंट तक लेके जाना था जो कि लेके गए अब जो फेज टू है वो 2013 से 2020 तक जिसमें एमिशन को कम से कम अठारह परसेंट तक लेके जाना था मतलब कम करना था उसे ठीक है तो आ, यही चीज है सारी तो अब यूएनएफसी रिकमेंड करती, कर, करती है कि भाई डिफोरेस्टेशन को कम करो पेड़ मत काटो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप यूज करना शुरू करो इन्वेस्टमेंट करो हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि हम अपने गोल को मीट कर सके टॉप टेन में चार कंट्रीज तो जो पोल्यूटेड अगर आ, नहीं टॉप टेन जो देश आ, सिटीज हैं उसमें चार तो भारत की ही है कानपुर दिल्ली गाजियाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉप ट्वेंटी सिक्स चार्टर ऑफ एक्शन नवरोज के दुबाश जो कि सीनियर फेलो है सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च वो बताते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है सबसे पहले तो इंडिया को अब ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा भारत का जो नेशनली डिटर्मिंड कंट्रीब्यूशन है ये क्या बताता है? भारत क्या एफर्ट्स ले रहा है इसको तेज करना पड़ेगा सेक्टर बाय सेक्टर प्लान बनाना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रिसिटी को डिकार्बनाइज करना मतलब कोल पे डिपेंडेंस अपना कम करना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है जैसे सोलर हो गया विंड हो गया न्यूक्लियर हो गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी हमको डीकार्बोनाइज करना है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कैसे डीकार्बोनाइज करेंगे पेट्रोल में तो कार्बन होता है डीजल में तो कार्बन होता है उसके बिना तो चलेगा ही नहीं वह एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ऐसे कार्बोनाइज करिए डीकार्बोनाइज करिए डी मतलब कार्बन कार्बन को खत्म करिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकिन वो महंगे हैं फिर उसके बाद कोल सेक्टर को कैसे उसको मैनेज करना है हमारा सेवेंटी परसेंट जो एनर्जी डिमांड है वो कोल सेक्टर से ही आ रही है और अभी कोल सेक्टर प्राइसेस भी आप देख रहे हैं एक सौ पैंतीस जो पावर प्लांट है ठप पड़े हैं हालांकि अब जाके सरकार जो है वो वो कह रही है कि ऐसा कोई क्राइसिस नहीं होने वाली लेकिन हो सकता है पावर कट्स देखने को मिले दूसरा पॉइंट क्या है हमको कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना है नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना है इकोसिस्टम को हमको प्रोटेक्ट करना है वार्निंग सिस्टम डिफेंस सिस्टम बनाने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे लॉस को क्लाइमेट लॉस को बचाया जा सके क्योंकि आपको पता ही है कि मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आते हैं फ्लड्स का एग्जाम्पल लेते हैं अब उसकी वजह से बहुत लोग का घर छिन जाता है उनका रोजगार छिन जाता है जिंदगी छिन जाती हैं तो इसको बचाना है डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगल चले जाते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है तीसरा पॉइंट है कि हमको फाइनेंस को मोबिलाइज करना है देखिए ये सारी चीजें जो है वो विदाउट पैसे तो होगी नहीं तो सबसे पहले तो जो देशों ने प्रॉमिस किया था कि कम से कम सौ बिलियन डॉलर तो क्लाइमेट फाइनेंस पर ये दो 2020 में फाइन, ये इतना था ये कि 100 बिलियन डॉलर आपको देने हैं लेकिन अभी तक इतना आया नहीं है कोविड 19 की वजह से दिक्कतें और ज्यादा हो गई तो सबसे पहले तो आपको पैसा लेके आना है विदाउट पैसा नहीं होगा ना अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में पांच लाख रुपए का बिके जैसे अभी एक ने, ने, नेक्सॉन का एक एग्जाम्पल लेता हूँ टाटा की नेक्सॉन गाड़ी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है अब वो जहां एक नेक्सॉन जो है जिसका टॉप मॉडल बारह लाख में आता है वही नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल पंद्रह से सोलह लाख में अगर मान लो वो लाख में आने लगे तो मजा आ जाएगी लेकिन एक्स्ट्रा पैसा देगा कौन सरकार इस तरीके से हम फाइनेंस कर सकते हैं और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में काम करना है भाई जब तक साथ में काम नहीं करेंगे तब तक तो कैसे होगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका का इसमें साथ और चाइना का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है चाइना बिजली भी काट रहा है ये सारी चीजें करने के लिए है कि नहीं चाइना हालांकि मुझे लगता नहीं वैसे चाइना सीरियस तो लग रहा है कि भाई ग्लोबल जीरो एमिशन तो करना ही फिलहाल देखेंगे दोस्तों क्या होता है अभी ये मीटिंग होगी तब काफी कुछ क्लियर हो जाएगा लेकिन ये ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई और उसके बाद कॉप ट्वेंटी बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है इसमें क्या होगा क्या हम अपने ढर्रा चेंज करेंगे क्या अमेरिका और चाइना जैसे कोई बहुत टफ डिसीजन लेंगे ये देश या कुछ ऐसा जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज में हुआ था 2015 में इस बार भी कुछ होगा मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है देखेंगे खुश रहे पड़ते रहे सिद्धांत नहीं होता साइनिंग ऑफ सेल हमारी लाइव है हमारे ऐप को डाउनलोड करें और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया नहीं यार उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा उस पर आप जरूर कॉल करें या फिर मैसेज करें थैंक यू सो मच